केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही गहमागहमी, देखते हैं। और रवि अरोड़ा फर्जी नोट मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। जिस गाड़ी में यूपी 27B9430 एक्सयूवी गाड़ी जो बरेली में पकड़ी गई थी, जिसमें सब्जी लादी गई थी, उसमें फर्जी नोट भी थे, लेकिन वो गाड़ी किसी तरीके से चकमा देकर रवि अरोड़ा और उसका बेटा भाग निकला। लेकिन आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के एक वर्कशॉप में ये गाड़ी आज देखी गई। गाड़ी को खड़ा देखा गया, बाखूबी आप देखिए, रवि अरोड़ा एक्सयूवी गाड़ी में फर्जी नोट का कारोबार करता था और बरेली में जब पकड़ा गया तो गाड़ी लेकर भाग निकला बाप बेटे। लेकिन यह गाड़ी आज एक वर्कशॉप में खड़ी पाई गई और इसके साथ साथ जब गाड़ी की डिटेल को खंगाला गया तो गाड़ी निकली रवि अरोड़ा के नाम। फर्जी नोट मामले में शामिल रवि अरोड़ा का बेटा वर्कशॉप में खड़ी कर गया गाड़ी एक्सयूवी, और वो भी गाड़ी जो गाड़ी सुर्खियों में थी, जो गाड़ी को पुलिस को तलाश है, जिस गाड़ी की, वो गाड़ी जो घटना जिस गाड़ी से हुई, एक्सयूवी गाड़ी से। बरेली में इज्जत नगर थाने में मुकदमा दर्ज फर्जी नोट को लेकर। लेकिन आपको बता दें, गाड़ी भाग निकली। जब हमने इस मामले में वर्कशॉप वाले से पूछा कि यह गाड़ी तो फर्जी नोट मामले की रवि अरोड़ा की है, आपके पास कैसे खड़ी, तो उसका यह कहना था कि रवि अरोड़ा का बेटा आयुष खड़ी कर गया और उसने ये कहा कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि रवि अरोड़ा की दुकान का मुनीम को शक हो गया और गाड़ी ले जाने की फिराक में है। यूपी 27B9430 रवि अरोड़ा के नाम गाड़ी, वो रवि अरोड़ा जो फर्जी नोट मामले में फरार है। और जो गाड़ी आप देख रहे हैं, यह गाड़ी मौके पर से भागी बरेली से। यह गाड़ी रवि अरोड़ा और उसका बेटा लेकर भागा और सूत्रों के अनुसार बरेली से पीलीभीत रोड पूरनपुर होता हुआ गाड़ी जल्दबाजी में चलाई गई, जो गाड़ी किसी चीज से टकरा गई। और इसके साथ साथ रवि अरोड़ा का बेटा कोतवाली क्षेत्र के एक वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी कर गया और इसके साथ साथ जो गाड़ी में सामान था वर्कशॉप मिस्त्री के अनुसार वो सब भरकर ले गया। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, फर्जी नोट मामले में रवि अरोड़ा की एक्सयूवी गाड़ी कोतवाली क्षेत्र के एक वर्कशॉप में अभी भी है मौजूद। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.